जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी गौस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए ना चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर बिनबिना रहा था, जिससे शेर की नींद में कलल पड़ रहा था। वह एक मच्छर से बोला, हे मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर दूंगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, किंतु आप मुझे ये बात नम्रता से भी कह सकते हैं, आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तुम छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा, और क्या गल कहा मैंने, तुम मच्छर हो ही ऐसा कि कोई भी तुम्हें यूं मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूंगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छर को शेर के बात चुप गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुंचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है, जल्दी बोलो। मुझे तुम जैसे से बात करने की फुसरत नहीं है, शेर बोला। वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु इसका अर्थ है कथिया नहीं है कि आप अन्य जीवों और प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें नीचे दिखाएं। मच्छर बोले, मैंने जो कहा सच कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। गमन में चूर शेर गरजा, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं, मच्छर भी चुप ना रहे। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो? मेरी शक्ति का अंदाज नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के गमन ने मच्छरों को क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मजा चका कर ही रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कहरा उठा। इतने सारे मच्छर का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखते हुए वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वहां जहां भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा, उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज
तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया, अब मैं कभी किसी के नीचे नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी ना कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचे मत समझो, हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर धोबी करते हुए वहां से भाग गया। शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा।